Guys, hope you're doing absolutely fine. So, आज है 5th October 2019. काफी अरसों बाद ब्लॉग कर रहा हूँ. आज सप्तमी का दिन है. तो एक सडन प्लान है. 3-4 दिन का टूर है. पूरा पूजा कवर करके आएंगे हम लोग. तो अभी हम लोग जा रहे हैं बॉक्सा टाइगर रिजर्व. वहाँ पे 2 दिन घूमने का प्लान है. एंड वहाँ से प्लान हो रहा है भूटान के लिए. तो देखते हैं कैसे होता है प्लान, कैसे चलता है सब कुछ. तो हम लोग अभी है ऑलमोस्ट हासीमारा में. तो यहाँ से शायद और 1 घंटे का रास्ता है बॉक्सा टाइगर रिजर्व का. तो हम लोग पहुंच चुके हैं राजा भातखावा चेक पोस्ट में. तो आप देख सकते हैं बॉक्सा टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है. तो यहाँ से हम लोग को परमिट बनाना पड़ेगा. परमिट बना के हम लोग जाएंगे जयंती. यहाँ से जयंती है ऑलमोस्ट 13-14 किलोमीटर. चलिए परमिट बनाते हैं. अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं. हम लोग परमिट लेके सेंचुरी के अंदर जा रहे हैं. एंड ये रास्ता हमको तो बहुत डरावना लग रहा है. कोई नहीं है, हाथी वाथी निकल जाने का डर है. यहाँ से जयंती है ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर. तो ऐसा ही रास्ता होगा 15 किलोमीटर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से. तो आई होप सामने कुछ ना आए. सो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी जयंती पे. तो मैंने जैसे सोचा था ये बिल्कुल वैसा नहीं है. बहुत क्राउडेड है. ठीक है, तो हम लोग का गाइड सामने है. तो गाइड ले जा रहा है रिसोर्ट पे. तो चलिए रिसोर्ट पे चल. सो सामने है रिवर एंड उसके पीछे है पहाड़. एंड ये है हम लोग का रूम. बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है. तो चलिए रूम देखते हैं. अरे वाह, क्या बात. हाँ, ये बाथरूम हो गया, रूम हो गया. एंड जो सबसे बढ़िया बात है वो है इधर से रूम का व्यू. मस्त भैया. आपका नाम क्या बोले भैया? नाम रंजन. रंजन तो जो रूम दिया एकदम एक क्लास रूम दिया. अगर आप इस जगह पे आ रहे, रंजन का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. आप रंजन से डायरेक्ट कांटेक्ट करके यहाँ पे आ सकते हैं. सो मैंने जैसा सोचा था वो जगह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बहुत मतलब लोकल पीपल बहुत है, टूरिस्ट भी बहुत है. यहाँ पे बड़ा सा दुर्गा पूजा का पंडाल बना हुआ है. दुर्गा पूजा हो रहा है. एंड सबसे बढ़िया बात, रंजन दा ना इसका नाम, रंजन दा हम लोगों को अभी नाइट सफारी कराएगा रिवर बेड में. अरे वाह, क्या बात. सो बात ऐसा है कि एक गाड़ी फंस गया है रिवर बेड में. तो उस गाड़ी को रेस्क्यू करने के लिए हम लोग भैया के साथ आ रहे. और भैया जो गाड़ी चलाते. सो वहाँ पे हम लोग का रूम. एंड ये है, ये कौन लोग जयंती रिवर ना, ये है जयंती रिवर. एंड दिस इज द रोड. वो उस तरफ नदी है. ऑलमोस्ट रोड नहीं है. ओह माय गॉड, अरे अरे बुसे बुसे तो असलाम एक हिटे हिटे जाए दारी दारी जाए. ये है नदी, रिवर क्रॉसिंग. अरे यार यहाँ से कटो. हाँ, ऊपर से मारे कट गए. अरे यार, अरे गाड़ी पलटी ना था यार. क्या बात, ऐसा एक्सप्रेस किसको मिलेगा करने को यार. थैंक यू रिक इस जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए. एंड थैंक यू रंजन दा इस जगह यहाँ पे मुझे लाने के लिए. क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट एकदम खराब हो चुका है, स्टार्ट नहीं ले रहा है. तो इस गाड़ी को
वो वाला गाड़ी देखा हम लोग जो गाड़ी में इसमें इसमें टो करके इसको लेने टो मतलब खींच के इसके ले जाना होगा। तो कुछ देर कोशिश करने के बाद ये गाड़ी स्टार्ट हो गया जाचे प्रेशर बिल्ड कैसे अच्छा ना तो है यहाँ ठेल रहा है इन लोग। हेलो हेलो भाई क्या होगा गाड़ी का क्लास में पूरा गया कि थोड़ा बहुत बचा है नहीं बचा है नहीं बचा ऐसे अभी टान के लेके जाए टान के लेके जाना होगा। अरे बाप रे बाप मुसीबत के ऊपर और एक मुसीबत ये गाड़ी का तेल खत्म हो गया यानी इस गाड़ी से अभी तेल निकल रहा है तेल निकल के उस गाड़ी में डालेंगे देसी जुगाड़। तो अभी गाड़ी शुरू हो चुका है गाड़ी को टान के लेके जा रहे हैं वो पतला सा एक GI तार से। अरे यार लोगों का एक्सपीरियंस देख भाई हम लोग जाएंगे पैदल पीछे पीछे गाड़ी को ठेलते हुए। अरे झटका मार भाई फिर से और एक बार गाड़ी स्टार्ट बंद हो गया है एंड फिर से बांध रहे हैं भैया एबार टाइट करे बांधो। अरे खतरनाक निकल अरे माधव लागची खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए भैया। अरे भाई कोई इनसे गाड़ी चलाना सीखो यार टूट गया और फिर से टूट गया वी ऑलमोस्ट रीच लगले ओ क्या बात बोलते थे लगले बोल बा मैंने लगने के बाद बोलना पहले मत बोलना भालो आसलो आसो बस लगाओ फस गया। अरे उठ बना अरे उठ बना और ये नदी के बीच फंस गया यार। एक्चुअली उठाना चाहिए था इधर से लेकिन भैया ने गलती करके इधर से चरा दिया। ताटक तारे ने खुला हमने कहा मुझे भूले भी नहीं इधर से उठा देंगे हम जानते हो तू भूल गए सो बहुत कोशिशों के बाद भी गाड़ी को उठा नहीं पाए हम लोग एंड गाड़ी को अभी यहीं पे नदी में छोड़ के हम लोग को जाना पड़ेगा एंड वो वाला गाड़ी ऑलरेडी चला गया तो हम लोग इस गाड़ी को नदी पे छोड़ के जा रहे रूम में। गुड मॉर्निंग गाइस तो अभी हम लोग जस्ट नींद से उठे 5:30 बजे एंड ये पीछे में हम लोग का रूम है एंड सामने का व्यू बहुत ही बढ़िया है तो सामने का व्यू दिखाते आप लोग को। तो अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं एंड हम लोग निकले हैं ट्रैकिंग पे। तो पहले जाएंगे हम पोखरी लेक पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा लेक है एंड उधर से जाएंगे हम महाकाल शिव जी का एक मंदिर है महाकाल पहाड़ों के ऊपर। तो ये टोटल 5-6 घंटे का ट्रैकिंग है तो देखते हैं कैसे रहता है ट्रैक। एकदम जंगल के बीच से होते हुए जा रहे हैं हम लोग आप देख सकते हैं पूरा जंगल है चारों तरफ हम लोग का
गाइड है सामने एंड आई होप ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा, कल रात से भी अच्छा होगा शायद, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो ये वाला ट्रेल छोड़ के हम लोग अभी जंगल के छोटे ट्रेल पे जाएंगे, ये शॉर्टकट रास्ता है, तो चलिए। सो इस रास्ते पे बहुत सालों से कोई नहीं आया शायद, मकड़ी का जाल तोड़ते तोड़ते हम अंकल जी जा रहे हैं। मुझे तो भाई पूरा मैन वर्सेस वाइल्ड वाला फीलिंग आ रहा है, एकदम चारों तरफ हाथी ने पेट तोड़ के रखा है, एकदम कोलेरिया कीड़े मकोड़े की आवाज। अच्छा जा रहा है मेरा ये ट्रिप भाई। ये देखिए कि हाथी आसे और ये देखिए नदी में पड़े, ये जगह एक नदी आते है, झोराते जल खाए। अच्छा, तो ये वाला हाथी का ट्रेल है, जैसे हाथी आता है एंड नीचे नदी है, एक छोटा सा नदी में पानी पीने जाता है। तो पूरा जंगल है यार। तो मेरे एक दरख्वास्त है आप लोगों से, आप अगर जंगल पे घूमने आ रहे हैं तो प्लीज प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए, प्लास्टिक कैरी करना अवॉइड कीजिए, एंड अगर आप प्लास्टिक ला भी रहे तो प्लीज जंगल में मत फेंकिएगा, क्योंकि यहाँ पे जानवर अगर वो खा लेगा तो खुदा ना खास्ता हम लोग मर भी सकते हैं। तो प्लीज डोंट कैरी प्लास्टिक और थ्रो प्लास्टिक इन जंगल्स। सो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स ट्रेक करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं पोखरी लेक एंड अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा माछ आस्ती। ओह माय गॉड, इतना माछ, इतनी माछ चास करे ना ना আসতে মত ভাগিয়ে কুছ নেই হোক। বিদিশামল মে এক মারওয়ারি কো ভি মারওয়ারি থা আপনে আপকো দিনহাটা কা আচ্ছা, তো উনকো সপনা দিয়া থা যে হামারা পাস আইয়ে, तो वो मरवारी ठो सूट उठ के सपना से घर का आदमी का कोई अनुष्ठान बोला बोली नहीं करके चला आया। अच्छा। आके जयंती में हम लोग का एक आदमी का गाइड लिया, गाइड अच्छा, लेके अच्छा। बोला हमको ऐसा जगह पुगा दीजिए पोखरी पहाड़। अच्छा। पुगा दिया, उसको मजूरी दे दिया, वो चला गया। अच्छा। और वो क्या किया, शार्ट पेन खोल के गाछ में टांग दिया। अच्छा। घड़ी खोल के टांग दिया। अच्छा। टांग के पानी में झाप दे दिया। अच्छा। ये हमको किस लिए बुलाया है, पानी में कुछ गिरा हुआ है। अच्छा। माने सीमेंट निकलिए। अच्छा। वो लोभ का मारे डूब गया। अच्छा। किंतु उनको देवता का क्या बोला था, देवता बोला था ये हमारा पास जब आया तुम, अच्छा, नहा धोआ के एक जगह बैठ के निवेदन करो। अच्छा। हम तुम्हारा पास आएगा। अच्छा। इसलिए सपना दिया था। अच्छा। क्या देना है वो सब मैं बोलता था। अच्छा। किंतु तुम बेसी लोभी होके पानी में कुछ पड़ा, इसीलिए तुम मृतक हो गया। अच्छा। यही हमारा निवेदन से। तो ये एक लेक का डार्क साइड है, ये कितने साल पहले का बात है, ये आपका ब्रिटिश का बात है, ब्रिटिश ब्रिटिश पीरियड में हम लोग का जन्म तो नहीं था। अच्छा। कहानी तो हमारा माता पिता बोल के गया ऐसा ऐसा घटना हुआ था, तो हुआ आप लोग जाने से, आप जवान होने से, अच्छा, पानी जूठा मत करना। अच्छा। पानी में पैर मत देना। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। पूजा करना। हाँ। और बुद्ध पूर्णिमा का दिन सकने से प्रसाद चढ़ाना। अच्छा। ये हम लोग का बोल किया था माता पिता, तो हम लोग सोने हैं, तो आप लोग भी बता दिए। हाँ, हाँ, हम लोग भी आगे बता देंगे। हाँ, रियल हम लोग भी वीडियो के माध्यम से आगे बता देंगे। तो आप लोग जो भी ये वीडियो को देख रहे प्लीज ये ध्यान पे रखिएगा, इस पानी को पैर मत दीजिएगा, इस पानी को झूठा मत कीजिएगा, लोग ऐसे मानते हैं। तो हम लोग इन लोग की जगह पे आए तो हम लोग ऐसे मान के चलना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इधर से चलते हैं अभी। सो पोखरी लेक से निकल के हम लोग अभी जा रहे हैं महाकाल। सो आई एम एंडिंग द व्लॉग हियर एंड आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगा तभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आपको यहीं पे आना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारा डिटेल्स दे दूंगा, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके उन लोग से बात करके आ सकते हैं यहाँ पे। सो महाकाल की वीडियो के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए,
And thank you so much guys for watching the video till end. Thank you so much.